और खार्किव में रूसी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। वोवचांस्क में रूसी बेस पर एयर स्ट्राइक की गई है। यूक्रेनी बमबारी ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। और खरसोन में रूसी T-72 टैंक की गोलाबारी। नीपर नदी के पास यूक्रेनी ठिकाने पर निशाना साधा है। यूक्रेन के आर्म्ड व्हीकल बेस पर अटैक किया है रूस ने T-72 टैंक से। उधर वॉर फ्रंट में रूस के सबसे घातक टैंक का अटैक T-90M टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर शेलिंग की। खार्किव की ओर बढ़ेंगे ये T-90 टैंक ग्रुप, ये कहा जा रहा है। तो रूस यूक्रेन महायुद्ध का अब और विनाशक होना तय है। यूक्रेन ने रूस के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रूस ने युद्ध विराम के लिए दो शर्तें रखी थी, लेकिन ये शर्तें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ज़ेलेंस्की और नेटो चीफ किन्हीं को पसंद नहीं आई। पुतिन का शांति ऑफर क्या था और अब आगे कितना विध्वंस मचने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर ज़ेलेंस्की पुतिन के सिर्फ दो बातें मान ले तो 28 महीनों से जल रही यूरोप की जमीन पर लगी बारूदी आग बुझ सकती है। अगर ज़ेलेंस्की पुतिन के सिर्फ दो शर्तें कबूल कर लें तो यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलों की बारिश थम सकती है। अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन बातचीत के टेबल पर बैठ जाएं, तो महायुद्ध से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता मौत का ये तांडव रुक सकता है। गेंद अब ज़ेलेंस्की के पाले में है, लेकिन क्या युद्ध विराम और शांति के लिए ज़ेलेंस्की पुतिन की ये दोनों शर्तें मानेंगे? पुतिन की पहली शर्त है कि उन चारों इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले जिन्हें 2022 में रूस ने अपने अधिकार में ले लिया था। पुतिन की दूसरी शर्त है कि ज़ेलेंस्की वादा करें कि वो नेटो में शामिल नहीं होंगे। अट्ठाईस महीनों में पहली बार पुतिन ने ज़ेलेंस्की को रूस की तरफ से सीज फायर का स्पष्ट प्रस्ताव भेजा है। 28 महीनों में पहली बार खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की पहल की है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने ऐसी शर्तें लगा दी जिन्हें मानना यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सीज फायर वाले प्रस्ताव पर दो टूक जवाब दे दिया है। एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सीज फायर के लिए पुतिन की दोनों में से किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, यानी ये युद्ध नहीं रुकेगा। इस बीच नेटो महासचिव जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध को रोकना नहीं बल्कि और भड़काना चाहते हैं। अब ये समझिए कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। पुतिन ने युद्ध विराम से पहले यूक्रेन की जमीन का कितना हिस्सा मांग लिया है? डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन, पुतिन ने जिन चार इलाकों से यूक्रेन की सेना को वापस लौट जाने को कहा है वो इलाका यूक्रेन के नक्शे पर कुल जमीन का 15% से ज्यादा है। कुल मिलाकर ये 26,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका है। जमीन का ये क्षेत्रफल दुनिया के कई शक्तिशाली देशों से भी बड़ा है।
जैसे डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन का 26,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसराइल के कुल 22,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल से बड़ा है। 25,713 वर्ग किलोमीटर वाला उत्तरी मैसिडोनिया और 20,271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला स्लोवेनिया भी पुतिन के डिमांड वाले इलाके से छोटा है। ২০১৪ में पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया पर भी इसी तरह कब्जा किया था। इसलिए ज़ेलेंस्की और नेटो चीफ ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं चाहते। पुतिन के इस ऑफर ने यूक्रेन और नेटो को इससे भी बड़े युद्ध का अल्टीमेटम दे दिया है। ज़ेलेंस्की को भी पुतिन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और G7 की मीटिंग में जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को सैल्यूट किया और जिस तरह यूक्रेन के साथ आखिर तक खड़े रहने की बात की, उससे भी साफ है कि पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव गिर गया है। इधर पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज हुआ, उधर रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। रूस ने यूक्रेन के कई फाइटर जेट भस्म कर दिए। पुतिन भी अच्छी तरह जानते थे कि उनकी शर्तों को ना तो ज़ेलेंस्की मानेंगे और ना ही नेटो देश इन शर्तों को मानने देंगे। तो सवाल ये है कि पुतिन ने ऐसी शर्तें रखी ही क्यों? कहीं पुतिन के मन में युद्ध को और विनाशक बनाने का कोई बड़ा प्लान तो नहीं चल रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।